नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज 46, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम 16 वाज मिसरीड एज 61 एंड अनदर आइटम 43 वाज मिसरीड एज 34। इट वाज आल्सो फाउंड दैट द नंबर ऑफ आइटम्स वाज 90 एंड नॉट 100, देन व्हाट इज द करेक्ट मीन। देखिए 100 संख्याओं का औसत 46 है, 100 संख्याओं का औसत कितना है 46, तो हमारे पास नंबर 100 है और एवरेज 46, तो टोटल सम क्या रहेगा, टोटल सम रहेगा मल्टीप्लाई कर दीजिए 4600। ठीक है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 16 को 61 यानी 16 की जगह हमें हमने 61 काउंट कर लिया, कितना ज़्यादा काउंट किया है। अब 61 माइनस 16 माइनस का 45, अब ये माइनस का 45 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और 43 की जगह हमने काउंट कर लिया 34, तो 9 कम किया है तो ये 9 यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल देख लीजिए 9 बजे 45 तो 36 रहेगा, अब इसमें से हमें 36 घटाना पड़ेगा, तो टोटल सम 4600 था, 36 घटा दीजिए 4 6 5 4, तो हमारे पास जो एक्चुअल में सम रहा वो कितना है 4564, ये हमारे पास सम है। अब हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, हमारे पास पहले टर्म कितनी थी 100, लेकिन एक्चुअल में जो टर्म है वो है 90, तो जो नया जो एवरेज है वो क्या रहेगा, सम बटे टर्म। ठीक है, 4564/90 ये हमारा आंसर क्या रहेगा, 50.7 ये हमारा एवरेज है।